ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ 69ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ MD AK ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ MD AK ਮਹਿਤਾ, HOD JS ਪਾਟਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ MD AK ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ये हम हर साल 26 जनवरी का दिन मनाते हैं, जिसमें हम अपने जो अच्छे कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, टेक्निकल स्टाफ है, ग्रुप CND का स्टाफ है, उनको जो अच्छे कार्य के लिए अवार्ड देते हैं, एक प्रोत्साहन है ताकि वो अच्छा काम कर सकें, और दूसरों के लिए भी रहता है कि अगली बारी हमें भी मिलेगा, एक तरह से हम उनको एनकरेज करते हैं। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो उत्साह और प्रोत्साहन सारे कर्मचारियों, डॉक्टर्स, नर्सेज में, वो एक परिवार की तरह एकजुट होकर यहाँ पर एकत्रित होते हैं और अपनी राष्ट्र भावना का प्रतीक देते हुए इसमें सभी शामिल होते हैं, कोई कैटेगराइजेशन नहीं होती। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा, अवार्ड सेरेमनी हम क्लास 4 कैटेगरी से शुरू करके डॉक्टर्स को सबसे लास्ट में देते हैं। ये एक तरीके से हमें, आप इसको मान लीजिए, ये हमारे भाईचारे और यूनिटी का प्रतीक है। मैंने अवार्ड इस चीज का मिला कि मैं इतने पूरा साल तकरीबन 13-14 घंटे रोज सेवा देना, अपना वक्त भी देना, और लोगों की जिते कितने भी जरूरत होती है, पैसे के नाल, किसी चीज़ के नाल, किसी की जरूरत के मन के हिसाब से पूरी मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी पूरी कर उतरी।